स्टूडेंट myself Ritika. Today I will teach you GK and my topic is food making in plants. Means जो प्लांट है वो अपना खाना किस प्रकार बनाते हैं. पीछे हमने चैप्टर में पढ़ा था पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो अपना खाना किस प्रकार बनाते हैं. देखो बच्चों, खाना बनाने की जो क्रिया होती है, जिसमें जो वो खाना बनाते हैं, उस क्रिया को, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. देखो यहाँ पे है, प्लांट मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. मीन्स जो प्लांट है वो अपना खाना जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. अब हम पढ़ेंगे कि वो खाना किस प्रकार बनाते हैं. देखो बच्चों, सबसे पहले जो है हम सीड को जो है सॉइल में डालते हैं, फिर हम उस पे वाटर देते हैं और धीरे धीरे सनलाइट लेके वो जो है एक प्लांट जो है वो ग्रो करने लग जाता है और फिर उसमें से लीव्स वगैरह निकल आती है, जो हमने कल पढ़ा था. अब जो ये खाना बनाने की क्रिया है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये जो है लीव्स करती है, पत्तियां करती है, ये जो है सॉइल में से वाटर और मिनरल्स और सनलाइट लेकर जो है अपना खाना बनाती है और एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है. जब ये खाना बना रही होती है, प्रोसेस चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, तो जो है उसमें से ऑक्सीजन रिलीव होती है जो हम सभी यूज करते हैं. तो जो लीव्स होती हैं वो वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट लेकर जो है अपने खाना जो है वो बनाती है और ऑक्सीजन को रिलीव करती है. अब इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कुछ फिलअप्स दिए हुए हैं जिसके हमने आंसर फिल करनी है. देखो फर्स्ट है डैश शाइन्स ऑन द लीव्स. जो लीव्स होती है वो किससे शाइन करती है, सनलाइट से. SUNLIGHT सनलाइट जो है उन लीव्स को शाइन करते हैं. सेकेंड है लीव्स अब्सॉर्ब डैश फ्रॉम एयर एंड गिव आउट डैश. अभी हमने पढ़ा था लीव्स जो है ऑब्जर्व हवा से क्या सोखती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या रिलीव करती है, ऑक्सीजन. तो हम क्या लिखेंगे, लीव्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड लेती है फ्रॉम एयर हवा में से एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और क्या छोड़ती है, ऑक्सीजन. नेक्स्ट है डैश एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू मेक प्लांट डैश. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सॉइल में से क्या लिया उसने, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसका फूड बनाते हैं, प्लांट का खाना बनाते हैं. तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू मेक प्लांट फूड, वो उनका प्लांट का जो है वो फूड बनाते हैं. नेक्स्ट है रूट्स ऑफ द प्लांट अब्सॉर्ब वाटर एंड डैश फ्रॉम द सॉइल. अभी हमने पढ़ा जो रूट्स होती है वो सॉइल में से क्या लेती है, एक तो हमने वाटर दिया वो लेती है, और जो उसके सॉइल के जो मिनरल्स है वो जो है लेती है, तभी वो खाना अपना बना पाएंगी. तो रूट्स जो है वो प्लांट में से प्लांट जो है अब्सॉर्ब कर लेता है वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल मिट्टी में से जो है वो वाटर और मिनरल जो है वो अब्सॉर्ब कर लेता है. नेक्स्ट है प्लांट्स यूज सनलाइट एज देयर सोर्स ऑफ डैश. जो प्लांट है जो वो सनलाइट को यूज करता है वो किस तरीके से एनर्जी के रूप में, खाना बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसके तौर पे उसको यूज करता है. तो प्लांट्स यूज सनलाइट, सूरज की जो रोशनी को यूज करता है, सोर्स क्या है उसका, एनर्जी का, एनर्जी के सोर्स के रूप में वो उसको यूज करता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अभी हमने बताया था जो ये पूरी फूड मेकिंग की प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. तो इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस. तो आप सभी को बच्चों ये सारे फिलअप्स जो हैं वो लर्न करने हैं जो इस फूड मेकिंग इन प्लांट्स के हैं. नाउ अब बच्चों देखो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंसेक्टिवर्स प्लांट. अभी हमने पढ़ा कि जो प्लांट है वो अपना खाना जो है कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं. पर क्या कभी आपने कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो
छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हो या कीड़े मकोड़ों को खाते हो। तो आज हम उन्हीं प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं। कैसे खाते हैं देखो, हैव यू हर्ड ऑफ प्लांट विच प्रे अपॉन स्मॉल इंसेक्ट्स। क्या आपने सुना है ऐसे प्लांट्स को जिनका जो शिकार है, प्रे जो है वो एक छोटे कीड़े या स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवर्स प्लांट। उन्हें क्या कहा जाता है, इंसेक्ट्स खाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, इंसेक्टिवर्स प्लांट्स कहेंगे। हंड्रेड्स ऑफ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स ग्रो थ्रू द वर्ल्ड। हमारे पूरे संसार में हजारों इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो है वो पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वो इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं। द रीजन इज दैट दीज प्लांट एग्जिस्ट। इसका जो कारण है वो ये है कि जो ये प्लांट्स हैं ये ऐसी जगहों पे जहाँ पे जैसे रॉकी एरिया, पत्थर वाला एरिया या बॉक्स मीन्स जो दलदल वाला एरिया होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। और वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत पुअर होती है, मतलब वहाँ पे इतने मिनरल्स नहीं होते उसके अंदर, इतने न्यूट्रेंट नहीं होते जिससे कि एक प्लांट ग्रो कर सके। तो अब उस प्लांट्स को अपने मिनरल्स और न्यूट्रेंट पूरे करने के लिए जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी के लिए जो है वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं ताकि जो है वो अपने मिनरल्स जो है और अपनी एनर्जी को ले सके। अब जो है हमारे पास देखो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जो इंसेक्टिवर्स प्लांट्स की है, आज हम उसको पढ़ेंगे। सबसे पहला है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप है ये कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में पाया जाता है। और देखो ये क्या कर रहा है, इसका ये मुंह बना हुआ है। यहाँ पे जब कोई भी इंसेक्ट जो है इसके पास आता है तो वो इंसेक्ट जो है इसके इस प्लांट लीव्स पे ऊपर चिपक जाता है जिससे वो इसको खा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट जो है देखो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये देखो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें ड्यू कुछ पानी की बूंदे टाइप सी हैं, ये इस तरीके से दिखाई देता है ताकि जो इंसेक्ट्स है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और जैसे ही कोई इंसेक्ट जो है इसकी तरफ, इसकी सुंदरता को देख के इसकी तरफ आता है तो ये उसको इंसेक्ट को खा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैडर वर्थ। ये जो ब्लैडर वर्थ है ये एंटार्क्टिका में पाया जाता है और ये पानी के अंदर रहते हैं, जहाँ पे दलदल या गीली मिट्टी होती है वहां पर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पिचर प्लांट। ये जो पिचर प्लांट है इसके जो पत्ते जो है वो सुराही की तरह, देखो जो अपने मटके की सुराही होती है वैसे होते हैं और जब कोई इंसेक्ट इसके पास आता है तो ये उसको खा जाता है। तो अब हमारे पास है इंसेक्टिवर्स प्लांट्स जो हैं वो आपको इनके जो पिक्चर्स, आपको पिक्चर्स दी जाएंगी, आपको इस पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करके इसके जो नाम है वो लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है बच्चों इंटरेस्टिंग प्लांट फैक्ट। अभी तक हमने जो है प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब हम कुछ उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ेंगे जो हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है देखो यहाँ पे एक ओशन की पिक्चर बनी हुई है, इसमें लिखा है जो 85% ऑफ प्लांट्स है वो लाइफ इन फाउंड इन द ओशन, मतलब जो मोस्टली 85% जो प्लांट्स हैं वो हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, ओशन में, समुद्र में पाए जाते हैं। जो मतलब अलग अलग प्लांट्स के प्रकार जो है वो मोस्टली 85% जो है वो ओशन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है बनाना कंटेन और नेचुरल केमिकल विच कैन मेक पीपल फील हैप्पी। बनाना जो है ये आपने सभी ने देखा होगा, जो केला है बनाना जो है उसमें एक नेचुरल केमिकल होता है जो हम लोगों को खुश रखता है, फील हैप्पी करवाता है हमें। नेक्स्ट है एप्पल इज अ 25% ऑफ एयर, दिस इज द रीजन इट फ्लोट ऑन वाटर। आपने कभी देखा होगा जो एप्पल वगैरह जब हम धोते हैं पानी में डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। इसका रीजन ये है कि जो एप्पल है उसमें 25% पानी होता है जिसके कारण जो है वो वाटर में फ्लोट करने, तैरने लग जाता है। नेक्स्ट देखो ईटिंग लॉट्स ऑफ ओनियन विल मेक यू स्लीपी एज दे एक्ट एज सिडेटिव। जो हम बहुत सारे जो प्याज हैं वो जब ऑनियन खाने से जो है हम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमें नींद आ रही है, वो हमें थोड़ा सा स्लीपी बना देता है। नेक्स्ट है
कैरेट्स वर ओरिजिनल पर्पल कलर, जो ओरिजिनल कैरेट होती है, जो गाजर होती है, वो जो है पर्पल कलर की होती है। नेक्स्ट है कैबेज हैज 91% वाटर कंटेंट। जो कैबेज होती है, हमने पढ़ी थी इसको, बंद गोभी जो होती है उसमें 91% जो है पानी जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है बैम्बू इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वुडी प्लांट इन द वर्ल्ड। जो बैम्बू है, ये आपने देखा होगा, बैम्बू जो है ये जो है सबसे तेजी से उगने वाला जो है प्लांट है। इसकी जो स्पीड है बढ़ने की, जो है ग्रो होने की, वो बहुत तेज होती है। इट कैन ग्रो 35 inches इन अ सिंगल डे। ये एक पूरे दिन में जो है 35 inches तक बड़ा हो जाता है। ओके बच्चों, आपको अब जो ये है फूड मेकिंग इन प्लांट, इसके जो फिलअप्स हैं वो नोटबुक्स में लिखने हैं, और ये पिक्चर मैच में जो इसके स्पेलिंग्स हैं आइडेंटिफाई करना है हमने पिक्चर्स को, तो इसके स्पेलिंग्स जो है वो आपको याद होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी पिक्चर्स को का क्या नाम है। ओके बच्चों, थैंक यू।